तो हेलो दोस्तों, जयबेट टेक्टोसाम में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वराज 735 एपी, हम यानी किसान के घर पे आए हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सा वजह है, क्यों किस लिए हमें आना पड़ा है यहाँ पे? तो इसमें वजह यह है दोस्तों कि इसका जो डीजल है, यानी डीजल चू रहा है, पंप से डीजल चू रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, लास्ट तक जब आप वीडियो देखेंगे आपके समझ में आएगा। जो वापसी का पाइप यहाँ पर लगा हुआ था, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर गाड़ी जो स्वराज रखे हुए हैं भाई, पुराना मॉडल, उसमें लगा हुआ है। अब तो नया मॉडल में आ गया है, यानी इंजन से कनेक्शन कर दिया, उससे तो कोई बात नहीं। मतलब वर्ल्ड मॉडल में यहाँ पे वापसी पाइप यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं। इस बार से बूंद बूंद के किसान भाई का डीजल बार बार चू रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कहाँ से आ रहा है, तो इसमें वजह बहुत छोटी है। लास्ट तक वीडियो वॉच करना, अभी हम आपको लगाना भी बताएंगे किस तरीके से आप अपने घर पर ही लगा सकते हैं। आप अगर ऐसा आपका डीजल चू रहा है यानी खा रहा है, तो आपको लगेगा कि हमारा जो ट्रैक्टर है डीजल ज़्यादा उठा रहा है, या पंप गड़बड़ हो गया, नाजिल, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर भाई आपका डीजल कहीं लॉस यानी चुएगा कहीं बैंजू से या पाइप से, तो आपको लगेगा कि हमारा जो ट्रैक्टर है ज़्यादा डीजल खा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, कहीं कई बार लीकेज हो जाता है। और इसमें एक वायरिंग लगता है, इसका फील पंप हमें खोलना पड़ेगा। जो ये फील पंप दिख रहा है, ये वाला हमें फील पंप खोल लेना है। और सारा जड़ यानी जो इसका मर्ज है, यानी जहाँ से दिक्कत है, इसी में दिक्कत है। तो इसको भी हम बहुत आसान तरीके से आपको बता दें कि एक वायरिंग ही कटा है इसका, यानी वायरिंग जो इसमें लगता है वायरिंग कटा है। वायरिंग कटने की वजह से दोस्तों ये डीजल यानी पंप में जा रहा है। इसमें मोबिल होता है, यानी मोबिल जब नहीं रहेगा तो आपका डीजल पंप जो है ख़राब हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए इसको मेन पॉइंट तक हम आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बैंजू 19 नंबर का खोल लेना है। यहाँ पर हम देखिए खोल ले हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला बैंजू हमें खोल लेना है, दोनों बैंजू। और इसका फेल पंप जो है बाहर निकाल लेना है, 3 बोल्ट खोल के निकालना है। तो हमने 19 नंबर का पहले इसको जल्दी से खोल के साइड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे खोल दिया। अब इसका इसमें 10 नंबर का रिंच लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का रिंच आपको लेना है। और यहाँ से इसका 3 जो बोल्ट है इसको खोल लेना है, बाहर कर लेना है फेल पंप को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम जल्दी से खोल लें, तब तक के लिए वीडियो हम स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फिल्म को हमने खोल दिया। देखिए यहाँ पे डीजल कितना गिर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना डीजल इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसमें पूरा डीजल, यहाँ पे आप देखिए ठीक दिखा रहे हैं, पूरा डीजल भर चुका है इसमें पंप में। यहाँ पे देखिए हमने निकाल दिया, फिल्म पंप को बाहर हमने कर लिया है दोस्तों। और वजह इसका कहाँ है, यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे। अभी इतनी छोटी वजह से दोस्तों आपको हम दिखा दे रहे हैं डीजल कितना इसमें निकला है। यहाँ पे देखिए पूरा इसमें डीजल ही डीजल है। यहाँ पे देखिए कितना डीजल निकल गया है इसमें। तो यहाँ पे आप इसको रख देते हैं। तो दोस्तों, इसका वजह जो है इसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सलाई, इसमें एक वायरिंग लगता है। इसी के लाने से दोस्तों इस पंप में डीजल जाता था, तो अभी इसी को हमें नया लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं नया हम लेके आ गए हैं। इसमें एक वायरिंग लगेगा, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा वायरिंग लगेगा। और ये सलाई, इसका सलाई जो कट चुका है भाई, इसलिए हमने ले आया है। यहाँ पे देखिए सलाई इसका कटा हुआ है, तो इसको साइड कर देते हैं स्विच वाला। आपको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हमने स्विच से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्विच से निकाल लिया हमने ये वाला वायरिंग, तो इसको साइड कर देते हैं हम। अब यहाँ पे नया वाला वायरिंग लगाएंगे, आपको हम दिखाएंगे ये वाला नया वाला वायरिंग किस तरीके से लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें खाँचा कटा हुआ है, इसमें हमको लगा देना है। और सुई की ही मदद से पलट कर, यानी नोक वाले से नहीं, पलट कर आपको इसको लगाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाबा। तो ये देखिए किस तरीके से हम बैठा रहे हैं। यहाँ पे हमने वायरिंग को बैठा दिया, और यहाँ पे आप देखना इस सलाई इसमें लगा देंगे, यानी नया सलाई लगाया है, क्योंकि इसमें रघारी जब बन गया कट जाता है तो इसको बदलना होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद में दोस्तों, ये सलाई है जो आपका टाइट नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। अगर चलेगा नहीं तो आपका ट्रैक्टर जो है एयर बार बार में एयर पकड़ना शुरू कर देगा, कि आप बोलोगे कैसा ये काम हो गया इसको लगाने के बाद में। इसको लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको फ्री होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तेल फेंकेगा, जब चलेगा ये सलाई तभी तेल यहाँ पे फेंकेगा। यहाँ पे देखिए ये फेंक रहा है, तो यहाँ पे देखिए
इस तरीके से इसको लगाने के बाद में दोस्तों सलाई जो है इसको फ्री होना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यानी फ्री है यहाँ पे। तो अगर आपका सलाई जाम होगा तो आपका ट्रैक्टर जो बार बार एड़ पकड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें इतनी छोटी वजह से दोस्तों पंप में डीजल जा रहा था इसी वायरिंग के कटने की वजह से। तो दोस्तों इसको जल्दी से हम बांध देते हैं और इसको फिटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको लगाने के बाद में आपको इसमें ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। यानी पंप में जब इसका निकल जाएगा पूरा साफ़ हो जाएगा तो इसमें ऑयल रहता है, उसमें आधा लीटर आप ऑयल पंप में डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी से इसको बांध के आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके हम दिखाते हैं। तो जल्दी से इसको बांध लेते हैं, वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो फील पंप है बांध के कंप्लीट कर लिया, पंप में भी आयल डाल दिया। अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको हम दिखाते हैं। बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है दोस्तों ट्रैक्टर का, तो भी एयर क्लीनर दाब के स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने एयर और निकाल दिया है। देख सकते हैं इसका साउंड दोस्तों कितना एक नंबर साउंड है इसका। यहाँ पे देखिए और धुआं वगैरह भी नहीं ट्रैक्टर में। दोस्तों हमारा एक ट्रैक्टर अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी हम ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया दोस्तों। इतनी छोटी वजह से कुछ किसान भाई कभी कदार परेशान हो सकता है। तो यह वीडियो आप देख कर ये वायरिंग आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।